दोस्तों, मैं हूँ साधना जोशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस फॉर सक्सेस। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। बहुत ही जल्दी हम इन संख्याओं का, जिनके की पीछे 5 आता है, उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग सभी जानते हैं कि स्पर्धात्मक परीक्षाओं में वर्ग निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एस फॉर सक्सेस को और पाते रहिए नोटिफिकेशन आगे आने वाले अलग अलग वीडियोस का। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्ग निकालना कि किस तरह से वर्ग निकाला जाता है। जिन संख्याओं में पीछे 5-5 हो, उन संख्याओं का वर्ग निकालना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 5 × 5, 5×25। इसके साथ में जब यहाँ पर 6 है, 6 के बाद आने वाली जो संख्या है वो कौन सी है? 6 के बाद आती है 7। तो 6 को 7 से गुणा करने पर इसका गुणाकार मिलता है 42। यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। 6 × 7 = 42। तो देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया एक बड़ी संख्या का वर्गमूल। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरी एक संख्या, 75 का वर्ग निकालना। हम अच्छी तरह से जानते हैं 5 × 5 यानी कि 25। दोस्तों, 7 के बाद आने वाली संख्या है 8। 7 × 8 = 56। तो देखिए एक बड़ी संख्या 75 × 75 का वर्ग हमने कितनी आसानी से 1 सेकंड में निकाल लिया। इसके बाद हम तीसरी संख्या देखेंगे, 95 का वर्ग निकालना। 95 जो संख्या है उसके उसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 5 × 5, 5×25। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 25 और 9 के बाद आने वाली जो संख्या है वो है 10। तो 9 के बाद आने वाली संख्या 10 से 9 को गुणा करने पर 9 × 10 = क्या होगा? 90। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90। इस तरह से एक बड़ी संख्या 95 × 95 का वर्ग हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे 55 का वर्ग निकाल करके दिखाएंगे। इसी तरह से 35 का वर्ग, 85 का वर्ग निकाल करके हम देखेंगे। अब एक बड़ी संख्या है 115। 115 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 5 × 5 यानी कि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में जवाब आएगा 25। 5 × 5 = 25। 11 के बाद में दूसरी बड़ी जो संख्या आती है वो आती है 12। तो जब हम 11 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 132। तो यहाँ पर हम 11 × 12 = 132 लिखेंगे। इसी तरह 205 का वर्ग 20 के बाद 20 × 21 यानी कि कितना होगा? 420। तो दोस्तों देखते हैं हम इसका वर्ग किस तरह से निकाला जाता है। 205 × 205, इसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 5 × 5 = 5×25 और 20 को जब गुणा करेंगे 21 के साथ में तो वर्ग आएगा 420। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने एक बड़ी संख्या का वर्ग कितनी आसानी से निकाल दिया। इसी तरह से हम अब आगे देखेंगे कि किसी संख्या का किसी भी बड़ी संख्या को हम गुणाकार किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि किसी बड़ी संख्या को किस तरह से हम लोग गुणाकार कर सकते हैं। बड़ी संख्या का गुणाकार करने के लिए, किसी भी बड़ी संख्या का जब हम गुणाकार कर रहे हैं तो उसके लिए अगर 2 शर्तें हमारे सामने पूरी हों, जैसे कि किसी संख्या के अंतिम अंकों का योगफल अगर 10 हो, या तो संख्या के प्रथम अंक दोनों तरफ एक समान होने चाहिए। इसके बाद अगर ये 2 शर्तें किसी भी संख्या में पूरी होती हैं तो हम बहुत आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग अथवा गुणाकार कर सकते हैं। जैसे 6 और 4, इसका जो गुणाकार है वो 10 होता है। तो चलिए देखते हैं हम इस संख्या का आसानी से गुणाकार किस प्रकार कर सकते हैं। 6 × 4 होते हैं 24। 6 के बाद में दूसरी बड़ी संख्या होती है 7। तो जब हम 6 को गुणा करेंगे 7 से तो वर्ग तो गुणाकार आएगा 42। 6 × 7 = 42। देखिए कुछ ही सेकंड में हमने किस तरह से कॉपी और पेन का इस्तेमाल किए बिना ही इसका वर्ग निकाल लिया। आगे देखते हैं 107 × 103, ये एक बड़ी संख्या है। 7 और 3 मिलकर के होते हैं 10 और दूसरी शर्त भी पूरी होती है कि ये जो दोनों ही संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। तो 7 दिया होता है 21, इसके साथ ही 10 के बाद में
जो दूसरी बड़ी संख्या आती है वो है 11। 10 के बाद वाली अगली संख्या 11 है, तो 10 गुणा 11 बराबर क्या होंगे, 110। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान तरीका है। 91 गुणा 99, 9 और 1 10, और ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख करके बताएंगे, एक मैं आपके लिए करके देती हूँ। 9 गुणा 1 यानी कि कितना हुआ दोस्तों, 9। 9 और 10, 10 गुणा 9 कितने होते हैं, 10 को जब हम 9 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 9 तो कितने होंगे दोस्तों, 90। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से 909 इसका गुणाकार कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका जो गुणाकार करेंगे उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। ये जो कुछ एक्सरसाइज हैं वो आपके लिए हैं, और दोस्तों जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आपके लिए गुणाकार का जो तरीका है वो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम इसे एक बार ओरली करके देखते हैं। 8 गुणा 2 बराबर 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर लिखा जाएगा। 7 और गुणा 8, 7 8 56, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 56। और 8 गुणा 2 यानी कि 8 दूनी 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, 24 8 के बाद वाली संख्या है 9, 9 8 72। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम इन कुछ संख्याओं का गुणाकार बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एस फॉर सक्सेस, जिससे कि आप ये जो अच्छे वीडियोस हैं, जो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, न केवल इंग्लिश की बल्कि गणित की, इसके साथ साथ में जीपीएससी से काम लगती हुई जो भी अलग इन्फॉर्मेशन है, वीडियोस हैं, वो सब भी आप मेरे चैनल पर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एस फॉर सक्सेस विद साधना शर्मा।